भगवान, मेरी किस्मत कैसे बनाई है तूने? मैं क्या इधर रोने के लिए पैदा हुआ हूँ? अरे बीवी है तो बीवी इज्जत नहीं करती, बच्चा है तो बच्चा इज्जत नहीं करता है, स्टाफ भी सब मेरे को निकम्मा ही समझता। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता, अभी मैंने थक गया हूँ ये बेइज्जती बर्दाश्त कर करके। सब लोग मेरी बेइज्जती क्यों करते? देख, या तो तू मेरा नसीब ठीक कर, नहीं तो किसी को भेज दो मेरा नसीब ठीक करे, मेरी मदद करे। कौन है भाई? ओ भाई, डरा मत, डरा मत। मैं पहले जिंदगी में बहुत डरा घबराया हुआ हूँ। कोई नहीं, कोई नहीं है लगता है, कोई नहीं है। कौन है भाई? किसकी आवाज है? ए भाई, कौन है? कौन मस्ती कर रहा है? बबलेश, सोचते ही रहोगे या फूलोगे? मुझे बाहर निकालो। बाहर निकलो? किधर, किधर से बाहर निकलो? लॉकर से। लॉकर? ए भाई, कौन से लॉकर में है तू? हाँ, लॉकर नंबर 555। लॉकर के अंदर है? बोलो तो सही। मेरे पास तो इसकी चाबी नहीं है। अपनी जेब देखो। किधर? मेरे पास किधर? चाबी मेरी जेब में कैसे आ गई भाई? हो इस चाबी से आप लॉकर खोलो। हेलो बकुलेश, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। आप लोग का सबका स्वागत है मेरी होटल में। मैं इस होटल का मालिक हूँ। ए भाई, ए स्वागत करो ने, ए कुमकुम लगाओ ने, आरती उतारो। अरे आरती घुमाओ, ये हमारे रिवाज है ने भाई। हो गया, अभी हार पहनने का है। आप अंदर जाके तैयारी देखिए, ये मैं संभाल लेता हूँ। गधेड़े फिर से ग्लास तोड़ दिया। अरे सर, मैंने नहीं, तो साहब का सपना टूट गया और ग्लास भी टूट गया। मैनेजर भाई, मैं सॉरी बोलता हूँ, वो मैंने जान के नहीं किया, वो टल्ला लग गया तो ऐसे। ये एक नंबर का गैला आदमी, इसको कुछ भी नहीं पता ये क्या करता है। लेकिन हमारा मालिक है,
मैं घर कैसे जाऊंगा, रात के इतना टाइम हो गया, आज तो बीवी मार ही देगी। ये क्या हो गया, अब तो मेरी प्यारी मेरे को मार ही डालेगी। अभी रात के इतने बजे उसके कमरे में जाना तो खतरे से खाली नहीं है। अगर जान प्यारी ना बकुलेश तो आज इधर सोफे पे सो जा, उधर तो वो मार ही डालेगी। मेरे पापा का दिया हुआ वास तोड़ दिया तुमने? तुम्हारे बाप ने वो जो रैक दिया है ना रद्दी की किताबों का, उसको बर्बाद करो ना। मेरे मेरे पापा की जो जमा को क्यों बर्बाद करता हूँ तुम? प्यारी गलती हो गई मेरे से, मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा। ओके ऐसे ने तल्ला लग गया तो गिर के वो टूट गया, तेरे को तो मालूम है मैं तो कुछ करता ही नहीं हुआ। एज तो प्रॉब्लम छे कि खाने सोने और तोड़ने के अलावा तुम कुछ करते ही नहीं हो, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया तुमने। अरे वो तो मैं थी जिसने तुमसे शादी की, वरना अपने बाप के वो रद्दी की दुकान में पड़े होते तुम। गलती हो गई मैं, मेरी गलती हो गई मैं प्रोमिस करता हूँ आइंदा मैं ना बहुत अच्छे से सब काम करूंगा, एकदम मन लगा के ध्यान से। ये माफी मांगना बंद करो और जरा जाओ काम पर जाओ। अरे मेरे पापा का होटल पहले बर्बाद तो कर चुकी हूँ, उसको बंद तो मत करवाओ। जाओ जाओ तुम होटल पे जाओ। मैं क्या बोलता हूँ प्रमिला, मेरे थोड़ी भूख लगी छे, जम्मा माटे कहीं पण छे के? भूख लगी छे, सीधे सीधे काम पे जाओ। यार मैं शर्ट बदल के मैं जल्दी जाता हूँ। तो अरे रुक जाओ ना, काली चिट्ठी लगा रहे भाई, रुके रहो 2 मिनट। कितनी बार समझाए हैं सुनते नहीं हो ना आप, 50 बार आपको समझाई गढ़िया को ना पीछे गेट तो घुसाया करिए। बड़ा बड़ा साहब लोग का बड़ा बड़ा गाड़ी आता जाता है, बात समझ में नहीं आता है। चलो लगा धक्का ले जाओ अंदर, धक्का देना भाई थोड़ा। सॉरी सॉरी सॉरी। सीधे सीधे जाओ। बता ये मालिक है नौकर से पूरी जिंदगी हो गई है इनकी, भगवान ऐसी जिंदगी कौनों को ना दे। बहुत बड़े आदमी की शादी है, सर्विस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सर आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। जाओ तुम जाकर अपना काम करो। बिल सारे अच्छे से पूरे कंप्लीट कर लो, देखो सब चीजें एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग मैनेजर भाई। गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, टाइम देखिए दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और आपकी वजह से बैंक का काम भी पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो अभी मैं आ गया हूँ ना, अभी बोलो किधर चकड़ी मारनी, मैं करके देता हूँ। देखिए काम और बैंक आपकी वजह से रुका नहीं रहेगा, मैंने मैडम को फोन कर दिया था, काम हो गया। तो ठीक है, अभी मेरे को बताओ मैं क्या करूँ अभी काम। सर आप आराम कीजिए, वैसे भी आपको कोई काम तो है नहीं, कोई काम होगा तो आपको बता देंगे। जाइए जाइए आराम कीजिए। कोई भी काम ठीक से करना नहीं आता, बिगाड़ने में होशियार हो। चलो जैसे वैसे भी एक ही रुमाल है आपके पास, अगर खराब हो गया तो मैडम गुस्सा करेंगे ना। रख लीजिए अपने पास, जाओ
जाइए जाइए, आप जाइए। टिश्यू पेपर देना। पता नहीं क्या सोचकर शादी की है मैडम ने इनसे। सर, किस्मत भी नाम की कोई चीज है जो आपके पास है नहीं। अरे, गधे को सोने के खूंटे से बांध कर रखा हुआ है। देखिए वो ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? वहाँ पर काम चल रहा है, कहीं और जाके आराम कीजिए। ओ तो भाई तुम ही बता दो ना, मैं जाऊँ किधर जाऊँ? हाँ कहीं भी जाइए सर, क्या फर्क पड़ता है, आप तो मालिक है सर। सर आप लॉकर रूम में जाइए, वहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हेलो बकुलेश, भाई हो कौन है तुम? मेरे को क्यों डरा रहे हो? घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। मेरा नाम है घनचक्कर, बदलने आया हूँ तुम्हारी किस्मत के साथ चक्कर। मेरे को तो तेरे को देख के ना बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। तू मेरी क्या मदद करेगा? कितने भोले हो तुम बकुलेश, पहले मुझे अपनी मदद के लिए बुलाते हो और फिर मुझे ही देख के डर जाते हो, भाग जाते हो। पर भाग कर जाओगे कहाँ? अब तो मैं तुम्हारे पीछे पड़ गया हूँ, तुम्हारी मदद तो मैं करते रहूंगा। लो मैं आया। सिक्के की तरह बिना चले ही वापस आ गए। ये तो मेरा नसीब ही खराब है, पति के नाम पे ना कामचोर मिला है, कामचोर। ए पीछा छोड़ ना भाई मेरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की है? अरे मैं तुम्हारे पीछे पड़ू रहा, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। अरे मैं तुमसे नहीं, मैं इससे बात कर रहा हूँ। अरे भाई बकू ये मत बोलो, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं देख सकता। तुमको क्या मैं पागल लगती हूँ? अरे नहीं नहीं, मैं तो यही रही हूँ। तुम्हारे तो आधे भूत उतार के रहती हूँ। अरे चल भाई, अरे आएगी, अरे अरे मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम मिटा सकता हूँ। अरे भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना ये झाड़ी औरत है, तू एक काम कर, तू इसको खा जा। अरे देखो मैं क्या करता हूँ। क्या ये? मैं बकुलेश का दादा भद्रेश पूरे होशो आवाज में ये बता रहा हूँ कि मैं अपनी 300 करोड़ की जायदाद मेरे पोते बकुलेश के नाम कर रहा हूँ। मेरी मृत्यु के बाद ये कागज बकुलेश को दे देना। तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारे दादाजी और भी तो जिंदा थे। बकू आशु आप कितने कमजोर हो गए हो, अब मैं ना आपके लिए कुछ गरम गरम खाने को लेकर आती हूँ, ठीक है? कितने आओगे? देखो फिर से बेहोश मत हो जाना। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, ये चिट्ठी और 300 करोड़ दोनों झूठे नहीं है। हाँ अगर असली होते तो मैं ही ना रख लेता। काम करो बकू, जो
जी ले अपनी जिंदगी, जा बकू जा। के बाप ने इस कथे को ये किताब क्यों दे दी? अगर ये किताब मुझे मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया को काबू में कर लूं। इस किताब को किसी भी तरीके से हासिल तो करना ही होगा। ओ ओ भाई ओ शू करे छे गांडा, ए क्या दुम दुम लगा रखी है रात को इतना लेट? और ये बता तू मेरे को इधर हॉल में कर क्या रहा? मैं ये किताबें किताबें देख रहा है। अरे ये किताबें कोई मामूली किताबें नहीं है, ये मेरे स्वर्गीय पिताजी की दी हुई किताबें। मेरे को तो यही जायदाद देके गए वो ऊपर। तो ये वाली किताब मुझे दे देना। आखिरी वाली? हाँ। हाँ, ये, 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 ये। अरे ये किताब तो मेरे पिताजी के कलेक्शन की बहुत इम्पोर्टेंट किताब है। अच्छा, ये कितनी सरस है हाँ, देखने में भी। इसका जिल्द का काम भी बहुत शानदार है। ये किताब जो ये चेतारे? देख भाई, ये जो किताब है ना, ये मैं तेरे को नहीं दे सकता। अरे मेरे पिताजी के कलेक्शन की किताब तेरे को कैसे दे दूं ऐसे? बकुलेश, मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया, तू ये किताब नहीं दे सकता? देख भाई, तूने जो कुछ किया ना मेरे लिए, उसके लिए मैं तेरा आभारी हूँ बहुत। लेकिन ये किताब मैं तेरे को दे नहीं सकता, इसके बारे में बात भी नहीं करना। अरे पर... और धाम धूम नहीं करना, मैं सोने जाता हूँ। अरे अरे छोड़ रहे पर... अरे जा। अरे अरे बकु, इस किताब के बिना मेरी शक्तियाँ अधूरी है। ये किताब तो मुझे तू ही देगा बकुलेश, और तू देखना मैं कैसे ये किताब तेरे हाथों से लेता हूं।